नमस्कार दोस्तों, मैं शोभित वर्मा, वर्मा गन हाउस बटाला से आज एक इस तरह के शस्त्र का, वेपन का, पिस्टल का रिव्यू करने जा रहा हूं जिसका नाम पूरे भारत में हर गन डीलर और हर आर्म्स लाइसेंस होल्डर की जुबान पर है। तो बात करेंगे MSD गार्डियन 1911 की। तो दोस्तों, ये मेरे सामने मल्होत्रा सन्स का, जो इन्होंने अभी हाल ही में वेपन लॉन्च किया है, जो कि 0.45 45 बोर का, ये भारत में सबसे पहला वेपन मल्होत्रा सन्स ने बनाया है और ये अभी डिलीवरी के लिए रेडी है। इसका मैं आपको बताऊं तो दोस्तों, ये है हमारे हाथ में मल्होत्रा सन्स का MSD गार्डियन 1911। तो बात करें इसकी, तो मुझे आज इस वेपन को देखकर ये फील हो रहा है कि हमारे गर्व फील हो रहा है, मल्होत्रा सन्स पे भी गर्व आ रहा है और अपने देश के ऊपर भी है कि ये इस तरह की कंपनियों ने भारत का नाम रोशन कर दिया है। ये वेपन्स हमारे सपने में थे कि कभी कोई टाइम आए कि इंडिया में भी इन वेपन्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाए। तो दोस्तों, आपको ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए ये मल्होत्रा आपको मैं पढ़ के बता देता हूँ। मल्होत्रा सन्स डिफेंस MSD गार्डियन 1911 कैलिबर 0.45। तो एक बहुत ही खूबसूरत इन्होंने ये वेपन बनाया है। तो अगर इसको पॉक करें तो ये इसकी बैरल जो है, आप कोई भी वेपन देखिए उसकी बैरल निकल वाइट कलर की होती है। सिर्फ RFI राइफल फैक्ट्री की बैरल 3-2 बोर में ब्लैक कलर की आती है। तो ये इन्होंने एक इसको जो पॉलिश किया है, ये सेराकोट है। दोस्तों, आपने कहीं भी हिंदुस्तान में किसी भी गन डीलर के पास जाइए तो वो आपको बोलेगा ये एक सेराकोट है। 100 में से 5 लोग सेराकोट करते हैं। 95 मार्केट में जितने भी वेपन्स बिक रहे हैं वो सेराकोट नहीं हो रहे, क्योंकि सेराकोट एक अमेरिका का ब्रांड है और वहां से यहाँ इंपोर्ट होता है, उसकी कॉस्ट काफी कॉस्टली होता है। तो देखा जाए, ये ओरिजिनल सेराकोट इन्होंने यहाँ पे यूज किया है जिसकी फिनिशिंग इतनी अच्छी है कि मैंने भारत के और भी ब्रांड्स आए हैं, इतनी फिनिशिंग मैंने आज तक किसी वेपन की नहीं देखी। ये मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं। और ये 0.45 हमारे भारत में पहला वेपन है जो मल्होत्रा सन्स ने हिमाचल प्रदेश बद्दी में अपना फैक्ट्री यूनिट लगा के इसको भारतीय मार्केट में हाल ही में लॉन्च किया है। हालांकि अभी इनकी सप्लाई जो है वो थोड़ी सी कम है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि ये आने वाले 5-6 महीने में जिस मेहनत के साथ ये काम कर रहे हैं, आगे ये मार्केट में जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा गन्स डीलर के पास आपको देखने को मिलेगा। हाल ही में आपको कुछ सेलेक्टेड ही काउंटर्स पे ये मिलेगा। पंजाब में आई थिंक ये 2 या 3 काउंटर्स पे इस टाइम अवेलेबल है। और ये पिस्टल जो है, ये सेम 1911 ही इन्होंने सेम बना दिया दोस्तों। और ये बात करें तो इसको यूज करने की, तो ये मुझे लग रहा है कि ये नहीं लग रहा कि मैं एक हिंदुस्तान का वेपन पकड़ा है मैंने। तो ये एक बड़ी गर्व वाली बात है हमारे लिए, हमारी इंडस्ट्री, हमारी वेपन्स की जो डीलर्स हैं, एक हमारी वेपन्स की जो लवर्स हैं, उनके लिए ये बहुत गर्व की बात है। तो अगर इसके वेट की बात करें तो ये अप्रोक्स 1 kg के आसपास इसका वेट है। ये दोस्तों 7+1 कार्ट्रेज इसके मैगजीन में आते हैं और एक कार्ट्रेज आप ऊपर बैरल में लगा सकते हैं। बैरल की बात करें तो दोस्तों, बैरल 5 इंच की बैरल है। और अगर इसके मॉडल्स की बात करें, वो फैक्ट्री ने जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है फैक्ट्री से, इसके 5 मॉडल लॉन्च वो कर रहे हैं, 1 by 1 करके मार्केट में आने शुरू हो जाएंगे।
कुछ थोड़े बहुत इन वेपन्स में, इन मॉडल्स में डिफरेंस होगा, होगा वो 45 बोर का ही, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत चेंजिंग के साथ प्राइस की भी चेंजिंग होगी, वो भी मार्केट में जल्दी से जल्दी अवेलेबल आपको सबसे पहले दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमारा हर टाइम एक ही मकसद रहा है, अपने कस्टमर्स को वेपन्स की सबसे पहले, सबसे बेहतर और सबसे अलग जेन्युइन जानकारी देने का हमारा प्रयास रहता है। आप इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए तो नेक्स्ट भी जो इसके वेपन्स आएंगे हम आपको डेफिनेटली बताएंगे। ये इन्होंने पीछे हैमर दिया है तो ये मैं बता दूं हाफ कॉक करता है, जितने भी ये इम्पोर्टेड आप लामा भी देखेंगे ये हाफ कॉक पे लॉक हो जाता है, ये कोई भी वेप इस टाइम वर्किंग में नहीं है। तो ये इसको आप पूरा पीछे किया और ये फायर के लिए रेडी है। भारत में ये हाफ कॉक किसी भी प्राइवेट कंपनी का मैंने अभी तक नहीं देखा हुआ। और ये दोस्तों इन्होंने यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा प्यारा लॉक, सेफ्टी लॉक दिया है, इसको ऊपर करने से वेपन लॉक हो जाएगा, ये लॉक हो चुका है। और इसको अगर हम नीचे कर देंगे तो ये वेपन फायर मोड के लिए तैयार है। तो दोस्तों इसके साथ जो कंपनी ने एक मैगजीन दिया है, ये मैगजीन है, इसमें उन्होंने पूरा डायग्राम दिया है 3, 4, 5, 6, 7 सेवन कार्ट्रिज के, इन्होंने ऊपर नंबरिंग भी की हुई है। और ये इसका बहुत ही प्यारा, और बॉक्स के अंदर भी MSD 45 गार्डियन 1911 और ऊपर इनका एक बहुत ही प्यारा मल्होत्रा डिफेंस का जो एक लोगो बना हुआ है। और ये इनकी जो है इनकी इंस्ट्रक्शंस के लिए गाइड बुक है, इसको अभी हम सारा गाइड इसको पढ़ लेंगे और नेक्स्ट जानकारी हम आपको इसकी और भी बेहतर, आप हमसे व्हाट्सएप पे मैसेज करके इसकी ले सकते हो। वेपन को देखना चाहो तो आप हमारे पास वर्मा गन हाउस बटाला में आकर देख सकते हो। और मैंने आपको जैसे पहले भी बताया है कि ये मार्केट में अभी इसको आते थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो सकती है, क्योंकि ये कंपनी ने मार्केट में वेपन बनाने से पहले इसकी हर तरह की इसकी जांच करके इसको फिर लॉन्च किया है। ऐसा नहीं किया इन्होंने कि जल्दबाजी में वेपन लॉन्च कर दिया है और उसके बाद कस्टमर्स का रिव्यू, कस्टमर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कस्टमर्स को अच्छा नहीं लगा उसको ठीक किया। इन्होंने पहले ही बहुत ही खूबसूरत वेपन कर दिया है। मेरे अकॉर्डिंगली इस वेपन को आप पकड़ के इसके बारे में कुछ भी नेगेटिव बोल ही नहीं सकते, ये मैं आपको 100-110% प्रॉमिस करता हूं कि क्योंकि ये इसको मैं इस टाइम देख रहा हूं, मुझे वेपन्स का मालूम है कि भारत में क्या वेपन्स आ रहे हैं और विदेश से वेपन क्या आ रहे हैं। और ये भारत में बना हुआ है, ये ऊपर इन्होंने इसकी साइड लगाई है, टारगेट भी है, ये इन्होंने बटन दिया है दोस्तों, बटन के साथ मैगजीन अपने आप ही बाहर आ जाती है, मैगजीन को हम पुश कर देंगे। और अगर इसकी लेंथ मैं आपको बता चुका हूँ, 5 इंच की लेंथ है, तो ये मैं पास से आपको बताने की कोशिश करूँगा। ये वेपन जो है ये इस तरह का कुछ देखने को मिलता है। तो मैं आपको इनके जो बाकी के 4 मॉडल्स हैं उसकी भी जानकारी दे सकता हूं कुछ, लेकिन मैं तब तक कोई भी जानकारी कभी भी नहीं देता जब तक मेरे हाथ में मैं कोई प्रोडक्ट को देख ना लूं। तो मेरी कोशिश होगी इनके नेक्स्ट वेपन को जल्द से जल्द आप सबके सामने लाया जाए। शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद।